दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं कह दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जो चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं कमेंट करो, मैं उसका तुरंत आपको जवाब दूंगा। और यही चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट civilsiteVisit.com पे भी मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा थंब रूल फॉर कॉलम बीम फुटिंग, की जो कॉलम है, बीम है या फुटिंग है, उसमें कौन सा स्टील आएगा और उसका साइज आपको मिनिमम कितना रखना चाहिए। अगर ग्राउंड फ्लोर प्लस एक रूफ, मतलब एक स्टोरी बिल्डिंग आपकी घर है, मतलब घर बना रहे हो रेजिडेंशियल, तो उसमें क्या स्टील रखना है आपको थंब रूल के हिसाब से, और उसका साइज क्या रहेगा, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये एक एग्जाम्पल प्लान लिया, आपका घर का जो भी प्लान रहेगा ऐसा रहेगा, ठीक है, या थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो थंब रूल के हिसाब से, क्यों मैं थंब रूल, मतलब ये कहाँ से हमने किया है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 10 साल में, तो उनमें से हमने ये उठाया हुआ है कि हमारा आपको 300 बाय 300 का कॉलम आपको देना ही देना है, क्योंकि जी प्लस वन बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें आपको 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम आपको देना ही देना है। ऐसे देखा होगा, काफी वीडियो आती है जिसमें लिखा होता है मिनिमम आप 230 बाय 300 का कॉलम प्रोवाइड कर दे तो कुछ नहीं होगा ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम अभी जो सिचुएशन है, और सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि कितने का कॉलम या कितने का सरिया देना है, लेकिन थंब रूल हमने जो बिल्डिंग अभी तक की है तो हमने उसमें 300 बाय 300 का दिया है। अभी तक उन बिल्डिंग में कुछ भी क्रैक्स या कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया है। तो क्या है उसमें मिनिमम, लेकिन अगर आप 300 बाय 300 का कॉलम प्रोवाइड कर रहे हो, मिनिमम M20 ग्रेड आपको उसमें प्रोवाइड करना है। उसका क्या रेशियो रहता है, 1:1:0.5:3 सैंड सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ठीक है, और 16 डाया का 4 नग आपको उसमें मिनिमम प्रोवाइड करना है। अगर मतलब 16 का नहीं, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि ये मैं सेफ्टी फैक्टर लेके चला हूं कि अपना अगर बाद में एक्सटेंशन करना हो तो 16 का प्रोवाइड करना है। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं करना है फ्यूचर में, लगता है कि इतना जरूरी नहीं है एक्सटेंशन करना, तो आप दो अपना 12 का सरिया और 2 16 का सरिया प्रोवाइड कर सकते हो 300 बाय 300 के कॉलम में। और मिनिमम डिस्टेंस कितना देना है इसी के हिसाब से, 4 मीटर या 4.5 मीटर आप डिस्टेंस दे सकते हो, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट है जो उसमें स्टीरो प्रोवाइड करोगे, 8 का सरिया उसमें यूज करना है आपको, 150 के सेंटर से आपने प्रोवाइड कर देना है। और यहाँ अगर लैप आता है, मतलब 3 मीटर आपका मिनिमम तो हाइट होगा ही, मैक्सिमम मिनिमम, तो 3 मीटर के बाद अगर आपको बाई चांस लैप करना पड़ता है तो वहां 100 का सेंटर आपको प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 200 बाय 200 का आपका बन जाएगा, 16 का ये 2 4 सरिया आ गया और 8 का ये आपको प्रोवाइड करना है। और अगर ये आ गया थंब रूल के हिसाब से, अगर ASI जो हमारा कोड है वो क्या कहता है, 1 से 5% पर कॉलम KG पर MQ, मतलब 1 से 5% आपको KG पर MQ के हिसाब से प्रोवाइड करना होता है। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हमारा 300 बाय 300 का कॉलम है, उसका 3% लूँ, मतलब 3 मीटर हाइट ले लेता हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम आएगा हमारा 0.27, ठीक है, उसका 2% लूँ, मैंने 2% पकड़ लिया कॉलम में, 1% तो देना मतलब लाजमी नहीं है, 2% लिया तो 2% का करके हमारा कितना आया, इसके डेंसिटी से हमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 42 KG आपको कॉलम में देना ही देना है। उसमें जो आपका कॉलम होगा उसमें 42 KG मैक्सिमम या मिनिमम आपको, मिनिमम मतलब 42 KG देना ही देना है, ये ASI कोड कहता है। नेक्स्ट है हमारा बीम। जैसे कॉलम तो ये आ गया हमारा कॉलम, और बीम है 4.5 मीटर का, तो वहां क्या करना है, टॉप में 16 का बार आपको प्रोवाइड कर देना है, अगर जी प्लस वन है 2 नग, और 2 नग नीचे प्रोवाइड करने हैं किसके, 12 के, ठीक है, ये आगे 2 16 के 2 12 के, और स्टीरो आपको प्रोवाइड करना है 8 डाया का 175 के स्पेसिंग के सेंटर से आप प्रोवाइड कर सकते हो उसको, ठीक है। और बीम का जो साइज आपको रखना है वो कितना रखना है, 230 बाय 300 का, अगर आपका जी प्लस वन बिल्डिंग है, ध्यान रखना ये भी चीज, ठीक है। और ASI कहता है, ACI, कि 1 से 2% आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अगर बीम है आपका, मैं एग्जांपल दे दूं, 0.230 × 30 और उसकी 4 मीटर 0.5 लेंथ है, और दोनों तरफ कॉलम उसको ऐड कर लेंगे, मतलब सेंटर तक उसका, यहां तक मतलब कॉलम हमारा 300 बाय 300 का, तो वहां तक अगर ले लेता हूँ, कवर माइनस नहीं करता हूँ, तो हमारा आया कितना, वॉल्यूम कितना आएगा, 0.351 आएगा, और 2% हमारा, और डिवाइड बाय 100 इंटू उसकी डेंसिटी, तो हमारा 55 KG आपको उस बीम में प्रोवाइड करना ही करना है, अगर जो ACI कहता है। इन्होंने सेफ्टी फैक्टर लेके किया होता है, अगर ये भी प्रोवाइड करोगे थंब रूल के हिसाब से, आपका बीम कभी फेल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा फुटिंग। तो फुटिंग में क्या रहता है हमारा,
मिनिमम आपको कितना, 1 मीटर आपको डेप्थ में जाना ही जाना है। अगर सॉइल मतलब खराब है, मतलब उसमें फिलिंग की हुई है, जोन 6 की सॉइल है वहाँ पे, जहाँ जोन 5 की है, तो वहाँ 1.5 मीटर आपको कर देना है। अगर वहाँ जोन 5 है, जोन 4 तक मतलब आपको यहाँ हार्ड आ जाएगा, आप तो 1 मीटर आप प्रोवाइड कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमारी फुटिंग रहेगी उसका साइज कितना, 1 मीटर बाय 1 मीटर आपको मिनिमम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अगर ये अगर आप स्टैंडर्ड वे से करना चाहते हो प्रोवाइड, प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ हमारी इस पर वीडियो है, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर पॉइंट 230 mm का आपको हाइट प्रोवाइड करके वहाँ कॉलम प्रोवाइड कर देना है। और जो स्टील इसमें यूज़ करना है, मिनिमम आपको 10 डाया का स्टील 150 के सेंटर से आपको वहाँ प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये था हमारा थंब रूल के हिसाब से कि आपको किस हिसाब से सरिया प्रोवाइड करना है। ये हमारा थंब रूल है। अगर वहाँ यहाँ आर्किटेक्ट अवेलेबल ना हो, वहाँ आप इसके थ्रू जा सकते हो, इसमें कोई स्ट्रक्चर में कोई कमी कुछ नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इस वीडियो पे कोई भी आपको दुविधा आती है, कुछ पता नहीं चलता है, तो कमेंट करो, मैं उसका तुरंत आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।